हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बना रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 1, भाषा, लिपि और व्याकरण की नोट्स। ओके, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। आपका फर्स्ट बिट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क है, भाषा किसे कहते हैं? तो जैसे हमने लेसन में पढ़ाया है पहले कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, प्रश्न ख, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो बताओ बच्चे, उसका आंसर है भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप? दो रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो इसमें हमें इसका डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने सिर्फ रूप पूछे हैं, वे क्या हैं और उनका डेफिनेशन कुछ पूछा नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ मौखिक भाषा, लिखित भाषा इतना शॉर्ट में लिख देंगे। फिर हम आते हैं अपने प्रश्न ग पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, जो है लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसे कहते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे वापस, भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रश्न घ, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, अब हम आते हैं टेक्स्ट बुक के, आपकी व्याकरण की ग्रामर की टेक्स्ट बुक के ग्रामर पार्ट में, जिसमें आपका सेकंड बिट आता है। ये जो चार क्वेश्चन है ये हमने कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या सही के आगे सही या गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएं, मतलब ट्रू और फॉल्स। ओके, तो क, भाषा के द्वारा बोलकर या लिखकर विचार प्रकट कर सकते हैं, तो क्या ये सही है? यस इट इज ट्रू। तो हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया है। उसके बाद बोलकर बातचीत करना भाषा का लिखित रूप है। बोलकर, बोलकर यानी कि क्या हो गया वो? मौखिक। तो ये हो गया फिर से गलत। ओके, नेक्स्ट, टेलीफोन से बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है। तो टेलीफोन से बात करना इज ओरल, है ना, वहां पर लिखने का काम कुछ नहीं हो रहा है, तो यह सही हो गया। तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद आता है भाषा के बोलने का ढंग लिपि कहलाता है। तो भाषा के बोलने का ढंग लिपि कहलाता है, गलत। लिपि क्या है? लिपि जो है लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह जो होते हैं उन्हें, उसे लिपि कहा जाता है। देन फिफ्थ अंग भाषा, देन फिफ्थ नंबर में आता है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सही, क्योंकि अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यह बात सही है। और लास्ट वाला है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण ने, व्याकरण का डेफिनेशन हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो यह बात बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी राष्ट्रभाषा डैश है, कौन सी हमारी राष्ट्रभाषा है? हिंदी। लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह डैश कहलाते हैं, जो लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह है वो उन्हें क्या कहते हैं? हम लिपि। व्याकरण हमें भाषा के डैश रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण कौन से रूप का ज्ञान करवाता है? शुद्ध रूप का। यहाँ देखिए द के नीचे आपको हलकनामा लगाना है। ओके, देन डैश के लोग मराठी और डैश के लोग तेलुगु बोलते हैं। तो कहाँ के लोग मराठी बोलते हैं? महाराष्ट्र के लोग, और तेलुगु आंध्र प्रदेश के लोग बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वर्ग पहली में से भारतीय और विदेशी भाषाएं ढूंढकर उचित कॉलम में लिखिए। तो ये आपको एक पजल दिया हुआ है, इसमें से आपको भारतीय और विदेशी भाषाएं, मतलब इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज ढूंढ करके, सर्कल करके, फिर उनका कॉलम यहाँ दिया गया है, भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं, उसमें नीचे आपको लिखना है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिला है? पंजाबी, अंग्रेजी, कश्मीरी, चीनी, जापानी, ओडिया, फ्रेंच और असमिया। तो अब यहाँ पर पंजाबी में क्या, भारतीय की भाषाओं में क्या क्या आ जाएगा? पंजाबी, ओके, फिर कश्मीरी, ठीक है, फिर आएगा ओडिया, देन असमिया, फिर विदेशी में आ जाएगा अंग्रेजी, चीनी, जापानी और फ्रेंच। तो ये हमने इसका कॉलम पूरा कर दिया है।
अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीचे दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए, लिपि बतानी है कौन सी लिपि से है वो। हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, संस्कृत, देवनागरी, उर्दू, फारसी। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में इस लेसन के, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है वो क्वेश्चन? दिए गए वाक्यों के सामने शुद्ध अथवा अशुद्ध लिखिए। शुद्ध अथवा अशुद्ध मतलब यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं जो शुद्ध है तो उसका अशुद्ध रूप लिखना है, और कुछ अशुद्ध हैं जिनका शुद्ध रूप लिखना है। जैसे कि पक्षी उड़ रही है तो उसका सही हो जाएगा पक्षी उड़ रहा है। फिर बुढ़िया गिर गई तो उसका हमें उल्टा करना है, ये शुद्ध है, हमें इसका अशुद्ध बनाना है। बुढ़िया गिर गई का अशुद्ध हो जाएगा बुढ़िया गिर गया, हम उसका उसको हम सेंटेंस को इनकरेक्ट सेंटेंस लिखेंगे। बच्चा खेलता है तो बच्चा क्या हो गया? सिंगुलर है ना, और ये भी सिंगुलर, तो ये शुद्ध रूप है। अब हमें इसका अशुद्ध मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस बनाना है वापस, तो हम इसका अशुद्ध बनाएंगे बच्चा खेलते हैं, मतलब बच्चा तो हो गया सिंगुलर और खेलते हमने प्लूरल करके इस सेंटेंस को गलत बना दिया है। मैं जा रहे हैं, इसने यहाँ पर गलत सेंटेंस दिया है। अब हमें इसका सही सेंटेंस बनाना है, वो है मैं जा रहा हूँ। ओके, फिर वह खाना खा रहा है तो यह भी सही सेंटेंस है, हमें इसका गलत बनाना है। फिर चाहे आप कैसे भी इसको गलत बनाइए, वो है वह खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वह सिंगुलर होता है और वह खाना खा रहे मीन्स प्लूरल हो गया, तो हमने इस तरह से इस वाक्य को गलत कर दिया। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो जल्दी से फटाफट से अपना नोट्स कंप्लीट करो, और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।